तो ऐप के ऊपर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। अगर आपको घर बैठे भी पूरी गाड़ी देखनी है ना, तो आप पूरी गाड़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको जस्ट Cars24 का ऐप डाउनलोड करना है, आपका लोकेशन डालना है और सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आपने अभी जो गाड़ी यहाँ पे देखी, अगर आपको i20 की प्राइस देखनी है, तो आपको i20 गाड़ी सेलेक्ट करनी है, पेट्रोल डीजल जो वेरियंट चाहिए वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और आपको उस गाड़ी की जो प्राइस है उसकी पूरी हिस्ट्री भी दिख जाएगी। अगर आपका बजट 50-60 हज़ार का है, 1 लाख का बजट है आपका, तो यहाँ से आप जो ये डाउन पेमेंट करवा के इजीली जो ये गाड़ी लेके जा सकते हैं। हाई गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार, और अभी जैसे कि गुड़ी पड़वा एंड ईद आ चुकी है, आपके लिए बहुत सारी ऑफर्स भी आई है फ्रॉम Cars24। यहाँ पे आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। सारी कार्स के ऊपर डिस्काउंट ऑफर्स है, और उसके अलावा आप ऐप के ऊपर भी चेकआउट कर सकते हैं इनकी, कि आपको क्या ऑफर्स मिलने वाली है। आपको जस्ट Cars24 का ऐप डाउनलोड करना है और आपको उसके ऊपर जो ये इनकी ऑफर्स दिखने वाली है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इनका अपडेटेड वैसे स्टॉक देखने वाले हैं नासिक हब के अंदर। तो यहाँ पे आप जैसे कि ये सारी कार्स यहाँ पे पूरी देख रहे हो ना, ये सारी कार्स का हम स्टॉक देखने वाले हैं कि आपको यहाँ पे क्या अपडेट्स मिलने वाले हैं, कौन सी कार्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो प्राइसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे साथ है अंकुश सर, जो कि हमें इन सारी कार्स की डिटेल्स देने वाले हैं। हेलो अंकुश सर। हेलो। सो यहाँ पे हमारे पास मतलब अभी ऑफर में कौन कौन सी कार्स है? सर अभी हमारे पास है ना जो बजट कार्स है, जो बजट कार्स वो स्टार्टिंग रेंज हमारी 2 लाख से स्टार्ट है। राइट। और जिनको अगर बोलते हैं ना सेडान कार चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, राइट, उनके बजट के हिसाब से भी हमारे पास वो कार्स अवेलेबल होती है। मतलब यहाँ की सारी कार्स ऑलमोस्ट सब ग्रुप के लिए, मतलब मिडिल क्लास से लेके लग्जरी कार, सब मेरे पास। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे क्विड वगैरह काफ़ी सारी कार्स दिख रही है, तो क्विड की जो रेंज है वो कार से स्टार्ट होती है, जो प्राइस रेंज है वो कार से स्टार्ट होती है? क्विड की जो रेंज है ना सर, 2.5 लाख से स्टार्ट होती है। ओके ओके, 2.5 लाख से स्टार्ट होती है, 3.5-4 लाख तक मिलती है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, और भी यहाँ पे कई सारी कार्स है। अल्टो वगैरह हमारे पास क्या रेंज से स्टार्ट होती है वैसे? अल्टो हमारे यहाँ से 2,30,000 के आसपास से स्टार्ट होती है। ओके, 2,30,000 से यहाँ पे आपको अल्टो जैसी कार मिलने वाली? 2016 से मिलने वाली। तो वैसे यहाँ की जो कार से वो खरीदने का और एक बेनिफिट रहता है, जैसे कि यहाँ पे हमें 140 चेक पॉइंट से चेक फ्री कार्स मिलती है, राइट? यस, 140 चेक पॉइंट्स तो मिलते ही मिलते हैं, राइट। लेकिन कंपनी और भी वारंटी देती है, जैसे नॉन एक्सीडेंटल कार, राइट, मीटर रिवर्स, ये जो बाहर पार्ट मिलते हैं ना वो इधर नहीं, राइट। तो यहाँ पे आपको जेन्यून कार्स मिलने वाली है। यस, और हम है ना कस्टमर को एक और बेनिफिट देते हैं, मतलब 7 डे रिटर्न पॉलिसी की। उसमें क्या होता है, अगर किसी कस्टमर को अगर प्रॉब्लम आ जाए, इंजन प्रॉब्लम आ जाए, मतलब मेजर प्रॉब्लम आ जाए, यस, तो उसमें उस कंडीशन में हम कार रिटर्न लेते हैं। ओके, 7 दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर या 5 किलोमीटर। बहुत ही आपको यहाँ पे बेहतरीन ऑप्शन मिलने वाला है। बाकी तो अगर हम यहाँ पे आगे चले तो यहाँ पे और भी बहुत सारी कार हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अभी ये जो लाइन है ये पूरी डिस्काउंटेड कार है, ईद और बड़ी पारो। ओके, तो यहाँ पे तो अगर आपको इन कार्स में से कोई गाड़ी पसंद आती है ना, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे इन कार्स के ऊपर मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे इस लाइन में और कौन कौन सी कार है अभी इसमें ना? अल्टो है, क्विड है, ह्युंडई है, सिलेरियो है, स्विफ्ट है, स्विफ्ट पेट्रोल है, और लग्जरी कार में अपने पास अभी वैगन है, स्लाविया है, स्लाविया में दो वेरियंट है। ओके, उसके बाद वैगन आ रही, सिलेरियो है, बलेनो है, टेरेनो है। ओके, और अभी यहाँ पे जैसे कि स्विफ्ट वगैरह है, तो स्विफ्ट की प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है? स्विफ्ट की प्राइस है ना 3 लाख से स्टार्ट होती है, जो डिज़ायर है वो अपना मैक्सिमम 6,80,000 तक जाता है। एक्चुअली ये लग्जरी कार में होता है, राइट, ठीक है। इसमें ये जो स्टार्ट होता है 10-10.5 लाख से स्टार्ट होता है। ओके, 10-10.5 लाख से। और ये कौन से मॉडल है वैसे? अभी ये एक 1.0, ये 1.5 लीटर। ओके ओके, दो मॉडल है। तो यहाँ पे आपको 10.5 लाख से स्लाविया जैसी गाड़ी मिलने वाली है। वैगन आर भी है यहाँ पे, तो वैगन आर की जो वैगन आर में अपने पास है ना 2013 से वैगन आर अवेलेबल है। ओके, और 2020 तक का वैगन आर अपने पास है। ओके, मतलब पुराने मॉडल से लेकर अभी जो न्यू वैगन आर है वो अपने पास अवेलेबल है। यहाँ पे आगे जो डैटसन है उसकी भी कुछ कार्स मिलती है, डैटसन में अपने पास अभी कलर ऑप्शन है, वो 2 लाख से स्टार्ट है, मतलब मिनिमम रेंज में डैटसन अपने पास अवेलेबल है। तो वैसे Cars24 में हमें 2 लाख से गाड़ी स्टार्ट मिलती है। तो अगर आपका बजट बहुत कम है, 2 लाख के आसपास अगर आपका बजट है, तो यहाँ पे आपको 2 लाख से ही गाड़ी मिलने वाली है। और वैसे यहाँ पे EMI जो इजी EMI के ऑप्शन है वो भी आपको काफ़ी अपने पास कैसा है, जो Cars24 है वो पूरा ऐप पे चलता है, मतलब ऑनलाइन, राइट, इसमें आपको किधर जाने की जरूरत नहीं, आप घर से ही अपना CF फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो अपना बोलते हैं इनकम
वो सब आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सब सिविल स्कोर आएगा, उसके बाद कंपनी से ऑफर भी आएगा। ओके, मतलब आपको किधर जाने की जरूरत, मतलब अलग अलग कंपनी से आपको, मतलब आपको सिर्फ आना है, ओके, कार चॉइस करनी है राइट, और गाड़ी लेके जाना। वैसे कार भी हम ऑनलाइन चॉइस कर सकते हैं, ऑनलाइन चॉइस कर सकते हैं, हमें पूरा ये भी दिखता है उसका की गाड़ी के उसमें इम्परफेक्शन क्या है, रिपेंटेड पार्ट है कि नहीं, मतलब जो ट्रांसपेरेंसी है ना तो ऐप के ऊपर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। अगर आपको घर बैठे भी पूरी गाड़ी देखनी है ना, तो आप पूरी गाड़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको जस्ट कास्ट 24 का ऐप डाउनलोड करना है, आपका लोकेशन डालना है और सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे बलेनो भी है, टेरेनो भी है, ब्रीजा भी है। तो बलेनो की प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है? बलेनो की प्राइस हमारी यहाँ अभी न्यू मॉडल है, ओके, तो ये 6 लाख से स्टार्ट। और टेरेनो? टेरेनो 5.5 लाख से, 5.5 लाख से टेरेनो। उसके बाद और ब्रीजा जो है ये तो हो गए डिस्काउंटेड कार्स। अगर हम ये साइड में देखे तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रो अभी जस्ट क्या बोलते हैं, उसकी एक ट्रिमर आई हुई है, वो 2021 की, मतलब 22 की, 2022। ओके, वो सेंट्रो है न्यू मॉडल। तो यहाँ पे दो सेंट्रो MH15 नंबर में, तो उनकी प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है? उसकी प्राइस 4 लाख से हमें CNG और पेट्रोल दोनों आ गए। तो यहाँ पे आपको CNG का भी ऑप्शन मिलने वाला है, मतलब किसी को चाहिए रहती है CNG गाड़ी जिसका आपको माइलेज वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है और काफ़ी पैसे भी बचते हैं, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन है हमारे पास। देन यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन क्विड है, क्विड के बहुत सारे ऑप्शन है, क्विड के ऑप्शन अपने पास कैसे है सर? 2 लाख 60 से लेके 3 लाख 80 हज़ार तक ऑप्शन है अपने पास। तो उसके बाद इग्निस आता है जो ऑटोमेटिक वेरियंट, मतलब हर एक टाइप की, मतलब मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है, एंटी भी है, मतलब हर गाड़ी के मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन के भी ऑप्शन है, उसके अलावा मॉडल के भी ऑप्शन है, मॉडल के भी ऑप्शन है, ट्रांसमिशन के भी ऑप्शन है, मतलब हर किसी के बजट के हिसाब से अपने पास कार अवेलेबल है। ओके, जस्ट आपको यहाँ पे विजिट करना है और आपकी हिसाब की गाड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसा नहीं है भाई कि आप कोई मॉल के ऊपर विजिट करें और आपको गाड़ी नहीं मिली, आपको दूसरे मॉल पर जाना पड़ रहा है। यहाँ पे एक ही जगह पे आपको ये सारी कार्स मिलने वाली है, जो न्यू शोरूम वाले जो ऑफर देते हैं ना, मतलब जो एक्सटेंडेड वारंटी रहते हैं, वो वारंटी हम लोग भी देते हैं। ओके, सो यहाँ पे 1 साल के लिए हम वारंटी देते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको जैसे नए शोरूम वाले ऑप्शंस मिलते हैं ना, वैसे भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलने आ रहे हैं, तो वो भी आप चीज़ें यहाँ पे देख पाओगे। देन अगेन बहुत सारी जो वैगन आ रही है वो 3.5 लाख से स्टार्ट है। ओके, और जो हाईएस्ट वैगन आ रही है, मतलब 1200 से, वो 5 लाख 18 हज़ार में। ओके सर, मतलब नया वाला मॉडल, नया वाला मॉडल वो 1200 cc में। अपने पास CNG अवेलेबल है न्यू वैगन आर में, पेट्रोल अवेलेबल है 1000 cc 1200 cc। न्यू शेप वाली गाड़ी है, न्यू शेप वाली है, तो उसमें 800 है, उसमें ऑटोमेटिक ही है, उसमें जो ट्रांसमिशन है। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कार बजट सेगमेंट की देखी है, यहाँ पे आई थोड़ा अपग्रेडेड सेगमेंट की था। हाँ है ना, तो यहाँ पे आपको i20 देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन सामने ब्लैक कलर की मस्त वरना भी है, ब्राउन कलर वरना है, वो भी फर्स्ट ओनर कार है, जस्ट 22,000 रेंज। ओके, ये वाली ना, इसका क्या प्राइस रेंज होगा वैसे? इसका प्राइस रेंज 8,70,000-80,000 तक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे ब्लैक कलर की बनना है, बहुत सारे लोगों को ये गाड़ी पसंद रहती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वैसे यहाँ पे साइंड काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ी भूल आ सकती है, सो डोंट माइंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैंड आइटन है हमारे पास, तो इसका प्राइस रेंज काफ़ी स्टार्ट होता है। हमारे पास ग्रैंड आइटन जो है 2010 मॉडल से स्टार्ट है, उसका प्राइस रेंज हमारे से 2 लाख से स्टार्ट है। ओके, ग्रैंड आइटन उसमें हमारा लास्ट प्राइस है वो 5.5 लाख, मतलब ग्रैंड आइटन उसमें अपने पास पेट्रोल भी है और CNG अवेलेबल भी है। तो आइटन हमारे पास 2 लाख से स्टार्ट होती है और ग्रैंड आइटन 5.5 तक जाती है, 3.5 से लेकर 5.5 तक जाती है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। आज तक 7-8 गाड़ी आई थी, यही है ग्रैंड आइटन, ये एक्सेंट आई थी, सो ये एक्सेंट है। यहाँ पे i20 अवेलेबल है, i20 में अपने पास न्यू पेट्रोल है, न्यू शेप i20, V-Lite i20 यहाँ पे लाइट आई है, तो ये काफ़ी मतलब खूबसूरत गाड़ी और बहुत सारे लोगों को ये पसंद होती है। सो अगर आपको एक i20 खरीदी तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कितने पास अभी पेट्रोल वेरियंट भी है, डीजल वेरियंट भी। ओके, MH15 और एक MH15 दो गाड़ी MH15 है,
तो अगर आप नासिक से देख रहे हो और आप अगर आपको MH 15 गाड़ी ही चाहिए तो यहाँ पे आपको MH 15 के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे अगेन स्विफ्ट है, डीजल में, तो डीजल स्विफ्ट डिजायर भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, सिया दे जो सेडान में आप देखोगे तो अगेन एक टेरेनो है, अगेन एक डैटसन है, सियाज है, एक सिविक भी है हमारे पास। जैसे सिविक की प्राइस है हमारे पास 3,97,000। ओके, ये कब का मॉडल है वैसे? ये मेरे ख्याल से 2013 का टॉप मॉडल है। ओके, सनरूफ भी इसके अंदर भी है। सो भाई इसका रेट तो ये रहता है, मुझे पता है यहाँ पे आपको सनरूफ वाली गाड़ी मिलने वाली है जो कि बहुत ही रेयर है, मतलब ये गाड़ी मिलती नहीं जल्दी से मार्केट के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर होंडा सिटी भी है, WRV है, और बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाले हैं। होंडा सिटी की वैसे क्या प्राइस है स्टार्ट होगी? होंडा सिटी की मुझे नया वाला मॉडल दिख रहा है, मतलब फिफ्थ जनरेशन लग रहा है मुझे आई थी मेरे ख्याल से। होंडा सिटी का पुराना मॉडल हमारे पास 5.5 से स्टार्ट है। ओके, पुराना मॉडल मतलब फोर्थ जनरेशन मॉडल। फोर्थ जनरेशन मॉडल, यस। देन जैज भी है यहाँ पे, तो ये सारी कार्स यहाँ पे देख सकते हैं। देन और भी यहाँ पे मतलब जो स्टॉक है वो अपडेट होता रहता है, मैं हर बार यहाँ पे जब आता हूँ ना यहाँ पे मुझे नई कार्स देखने मिलती है। अपने पास 75-80 कार्स अवेलेबल। ओके, मतलब ये स्टॉक है ना कंटिन्यूटी रहता है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि हर मंथ में मैं आता हूँ तो यहाँ पे मुझे हर बार कोई अलग अलग नई कार्स देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपको पूरा नया स्टॉक मिलने वाला है। तो अभी आपने जो कार्स देखी, अगर आपको और भी कुछ नया और चाहिए होगा तो आप नेक्स्ट मंथ के अंदर जो देख सकते हैं वहाँ पे आपको और जो है नया स्टॉक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये सारी कार्स की प्राइजेस प्रॉपरली देखनी होगी तो आप ऐप के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। आपको जस्ट जाना है Cars24 के ऐप के ऊपर, आपको नासिक लोकेशन डालनी है, आपने अभी जो गाड़ी यहाँ पे देखी, अगर आपको i20 की प्राइस देखनी है तो आपको i20 गाड़ी सेलेक्ट करनी है, पेट्रोल डीजल जो वेरियंट चाहिए वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और आपको उस गाड़ी की जो प्राइस है उसकी पूरी हिस्ट्री भी दिख जाएगी, कहाँ मतलब गाड़ी कितनी चली है, कितने ओनर हुए हैं गाड़ी के अंदर, क्या आपको इनपरफेक्शंस मिलते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी तो आप वो सारी चीज़ें चेक कर ही सकते हैं। तो अगर किसी को लोन करवाना है तो मिनिमम से मिनिमम मतलब कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? मिनिमम से मिनिमम एक्चुअली 0% भी डाउन पेमेंट हमारे पास होता है। तो उसके लिए सिविल स्कोर का थोड़ा सिविल स्कोर क्राइटेरिया रहता है, क्राइटेरिया उसका। और हमारे यहाँ है ना 650 के ऊपर कार मिल जाती है। okay. मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है किसी का सिविल स्कोर 670 है, 680 है, उसको भी कार मिल सकती है। ओके, और उसके बाद मतलब अगर किसी का सिविल स्कोर नहीं भी है तो कितने डाउन पेमेंट पे गाड़ी मिलेगी? एक्चुअली कैसा है वो 10-20% 30% तक जाता है, मतलब okay. कम से कम अगर सिविल होगा ना तो 30% तक मिलता है। ओके, मतलब 50-1 lakh के अंदर आपको 50,000-1 lakh के अंदर मिल जाए गाड़ी मिल जाएगी, और वो प्राइस रेंज के हिसाब से चलता है। ओके ओके, राइट राइट राइट, मतलब अगर कोई बड़ी गाड़ी होगी तो बड़ी गाड़ी होगी तो उसका डाउन पेमेंट भी ज़्यादा रहेगा। ओके ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका डाउन पेमेंट कम भी है, अगर आपका बजट 50-60 हज़ार का है, 1 lakh का बजट है आपका, तो यहाँ से आप जो ये डाउन पेमेंट करवा के इजीली जो है गाड़ी लेके जा सकते हैं, बाकी के अमाउंट का आप लोन करवा सकते हैं। बाकी तो गाइज अगर आपको गाड़ी बाय करनी है Cars24 से तो आप ज़रूर से विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी या वीडियो के टॉप कॉर्नर में भी आपको जो ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली ऐसी ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।